भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना और दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त करने वाला केंद्र सरकार का बजट काफी सकारात्मक है। ऐसी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे इनके द्वारा दी गई। प्राकृतिक खेती से कृषि उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से गरीबों के लिए 1 करोड़ मकान, छात्रों को शिक्षा के लिए मध्यम ब्याज पर 10 लाख ऋण, युवाओं को उनकी पहली नौकरी में वित्तीय सहायता, मानक कटौती को सुव्यवस्थित कर आयकर से 57 लाख की छूट, कर्मचारियों को बड़ी राहत, सभी राज्य सरकारों को 15 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए देश भर में वित्तीय निवेश, हिंदू बौद्ध जैन पूजा स्थलों का विकास, कैंसर के महंगे इलाज को कम करने के लिए सस्ती दवाएं प्रदान कर विकासात्मक योजना चलाने के लिए प्रोत्साहित करना। आज का बजट एक बहुत ही संतुलित बजट है, जिसका उद्देश्य शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार वृद्धि के लक्ष्य निर्धारित करने के साथ साथ इलेक्ट्रिक वाहनों, लिथियम बैटरी, सौर ऊर्जा पैनलों पर उदार रियायतें देकर पर्यावरण अनुकूल अर्थव्यवस्था की नींव को मजबूत करना है। यह भविष्य के प्रति आशा और विश्वास को दर्शाता है। भारत ने अब तक जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा बुलंद किया, अब से जय अनुसंधान। ये नारा भारत को 247 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य को हासिल कर सकता है। यह इतना अविश्वसनीय आत्मविश्वास देता है। गरीबों, महिलाओं, युवाओं और किसानों की आवश्यकताएं, आकांक्षाएं और कल्याण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और आज उस पर प्रकाश डाला गया। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का आज का बजट भारत की विकास सदी की आधारशिला है। मैं मोदी को धन्यवाद करता हूं। एक बार फिर केंद्र सरकार का धन्यवाद, ऐसा कहते हुए महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे द्वारा बजट पर प्रतिक्रिया साझा की है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।